दोस्तों आपको क्या लगता है, कुणाल पांड्या की इस मामले में गलती थी या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि कुणाल पांड्या हिरासत में जो लिए गए थे उन्हें कैसे छोड़ा। राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने मुंबई इंडियंस के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या को अघोषित सोना और अन्य बहुमूल्य सामान रखने के आरोप में गुरुवार को हिरासत में ले लिया। निदेशालय के सूत्रों ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात से लौटने के क्रम में क्रिकेटर कुणाल पांड्या को मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। कुणाल भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बड़े भाई हैं। कुणाल इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण में भाग लेकर लौट रहे थे। शाम 5 बजे के करीब वो हवाई अड्डे पर उतरे। इसके बाद उन्हें निदेशालय के अधिकारियों द्वारा रोका गया। सूत्रों ने बताया कि कुणाल ने विदेश में सोने की चेन समेत कई कीमती वस्तुओं की खरीदारी की थी। इन वस्तुओं की कीमत कानूनी तौर पर विदेश से सामान लाने की दी गई इजाज़त से ही ज्यादा थी। इस बात की जानकारी जब उन्हें दी गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें कानून के बारे में नहीं पता था। उन्होंने इसके लिए माफी मांगी और जुर्माना भरने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि भविष्य में वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। इसके बाद उन्हें जाने दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस साल इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था और ऐसे में कुणाल पांड्या को हवाई अड्डे पर रोक लिया गया, जिसमें शायद उनकी गलती थी। दोस्तों आपको क्या लगता है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।